हेलो एंड वेलकम टू सोम भगदेशा। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर यूजीसी नेट के बारे में। तो बेसिकली आप अगर टाइम मैनेजमेंट में आपका दिक्कत होता है आप या किसी भी टॉपिक पे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप चाहे किसी भी टॉपिक में हो ना क्यों आपका किसी में वीकनेस है चाहे किसी में स्ट्रेंथ क्या है आप कैसे ठीक कर सकते हैं सब कुछ बताया जाएगा। और क्या कुछ मार्क्स आता है वो तो आप जानते होंगे उसको भी थोड़ा सा बोल देंगे। आपको ब्रीफ अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बेसिकली। उसके बाद आपका जो भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर्स का क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन और हर एक ईयर का आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो इसके बाद और कहीं भी जो आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इतना अच्छा वीडियो होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करना है आपको और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, यही दो काम करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पहले के लिए हम इसका इंटेक्स देते हैं। हेल्प होगा आपका अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न समझने में आपको आपको अच्छा होगा सहूलियत होगा। दूसरा है हेल्प क्लारिफाइंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा में ध्यान देना चाहिए कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए आप इस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ये बेनिफिट होगा। तीसरा होगा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का कौन सा चैप्टर से कैसा आपका क्वेश्चन डिफिकल्टी पेपर वन में पेपर टू में कैसा डिफिकल्टी आता है मॉडरेट ईजी एडवांस क्या कुछ ज़्यादा आप कर पाइएगा। और हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्ग एंड वीकनेस एरियाज आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीकनेस एरिया। इसको करने के बाद आपका पांचवा हेल्प्स होगा टाइम मैनेजमेंट में और हेल्प्स टू अचीविंग एक्यूरेंसी क्या एक्यूरेंसी में आपको क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा चैप्टर से क्या कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी जुलाई 2018 का यूजीसी नेट पेपर वन सेट पी है क्लिक है। तो यहाँ पर से आंसर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जुलाई 2018 यूजीसी नेट पेपर वन की सेट क्यू यहाँ से आप आर एस डब्ल्यू ठीक है 2017 का सेट ए बी सी है 2017 का सी टी बी सी डी डब्ल्यू एक्स बहुत ज़्यादा है 17 का 16 का भी है ये अलग टॉपिक है। यहाँ से आप डाउनलोड अलग टॉपिक नहीं इसको आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से सबको डाउनलोड करके आप देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब क्लिक कीजिएगा तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ से पेपर टू में जो अपना सबका होता है कंपलसरी ठीक है मतलब पेपर वन होता है कंपलसरी हर एक किसी के लिए और पेपर टू है जो आपका जिस भी स्ट्रेंथ है आपका जिस भी आप सब्जेक्ट में एमएससी किए हैं उसके बारे में। तो पहला हो गया मैनेजमेंट, दूसरा हो गया कॉमर्स, तीसरा हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंथ्रोपोलॉजी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी एडुकेशन इन्वायरमेंटल साइंस सोशल वर्क लॉ होम साइंस इलेक्ट्रॉनिक साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस लेबर वेलफेयर इंडस्ट्रियल रिलेशंस ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज इंटरनेशनल रिलेशंस एरिया स्टूडेंट्स पॉपुलेशन स्टूडेंट्स टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी हेल्थ वुमेन स्टडीज विजुअल आर्ट्स योगा एडल्ट एजुकेशन अब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज आर्कियोलॉजी बुद्धिस्ट जैन गांधीयन पीस स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव लिटरेचर कॉम्पिटेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स क्रिमिनोलॉजी। तो यही था। और एग्ज़ाम पैटर्न में आप अगर देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं आपका कोई ब्रेक नहीं होता पेपर एक और दो के बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है आपका पेपर वन में 50 और मार्क्स होता है 100। ठीक है, ऑडिशन होता है 1 आवर पेपर टू में आपका क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स होता है 200 और ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। तो यहाँ से क्वेश्चंस हो गया आपका 150 मार्क्स हो गया 300 टोटल आवर होगा 3 घंटा। ठीक है, और यही सब था। और इसके बाद भी कुछ समझने में दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं पेपर टू में ऑब्जेक्टिव टाइप मैनेजमेंट क्वेश्चंस होता है आपका सब। ठीक है, तो यही सब था। उम्मीद करता हूँ जो कुछ बताया गया मेरी तरफ से वीडियो को अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं फिर से मिलते हैं नए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।